अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातुहू। गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स एंड वेलकम अगेन इन आवर ऑनलाइन क्लासेस। मैं एक बार फिर से आप सभी का हमारा जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस पर आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ। चैप्टर नंबर 9 हम पढ़ रहे हैं, हिजान और यानी के तहरीक और हिजान, प्रेरणा अने आवेग, जिसमें हमने इसी टॉपिक का एक जो पार्ट है जो तहरीक का मुतालिक था उसे हमने समझ लिया। उसमें हमने हिजान की तारीफ़, उसकी किस्में, पर्टिकुलरली दो किस्में हैं, जिस्मानी और नफसी जिस्मानी, उन चीज़ों को हमने समझा। इस वीडियो से पहले आप उस वीडियो को देख लेना ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, और थियरी को भी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अब जो इसी चैप्टर का हमारा नेक्स्ट पार्ट है वो है हिजान। तो आइए हम समझते हैं हिजान का मफहूम और उसकी तारीफ। गुजराती में इसे कहेंगे आवेग, ठीक है। जिस तरह से नॉर्मली अगर मैं बेसिकली आपको बताऊँ कि हिजान किसे कहेंगे, तो हमारी फीलिंग्स, हमारे अलग अलग टाइप के एहसासात, हमें सिर्फ एक किस्म के एहसास तो नहीं होता, हमें एहसासात होते हैं, अलग अलग किस्म के एहसास हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें एहसासात होते हैं। प्यार, मोहब्बत, गुस्सा, नफ़रत, जोश, ये सारी चीज़ें जो एहसासात हैं हमारे, उन्हीं को हम हिजान कहेंगे। इनकी भी अलग अलग किस्में हैं, इनका ख़ास एक तारीफ है जो साइकोलॉजी में बताई गई है, उन्हीं चीज़ों को हमने पढ़ना है। ओवरऑल ये चीज़ें भी हमारी रूटीन लाइफ से जुड़ी हुई है, हमारे साथ अटैच्ड है, ठीक है। ये कोई माजी की बात नहीं पढ़ रहे हम, या फिर कोई शायर के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं। ये चीज़ें हम अपने आप को बेटर बना सकते हैं, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो इसे ध्यान से पढ़िए। एजुकेशन लेवल पे तो आपको पढ़ना ही है, कंपलसरी है, लेकिन इसे अपनी लाइफ में भी कुछ उतारिए, कुछ चीज़ें सीखकर अपनी लाइफ में इसको बेटर बनाइए, ठीक है। हम हिजान की तारीफ पढ़ते हैं, पेज नंबर 105। आपने जमात 10 का बोर्ड का इम्तिहान दे चुके हैं, आप सभी ने 10वीं का बोर्ड का एग्ज़ाम दिया है। हम जानते हैं कि इम्तिहान के नतीजे वाले दिन हमारे गर्दोपेश में कई मनाजिर होते हैं। हम जब 10वीं का एग्ज़ाम देते हैं, जब रिज़ल्ट आने वाला होता है, तो हमें कितनी ज़्यादा क्यूरोसिटी होती है। हमें अपने रिज़ल्ट की तो फिक्र नहीं होती, जितना हमें दूसरों की रिज़ल्ट की ज़्यादा फिक्र होती है। अगर मैं फ़ेल हो गया तो चले, लेकिन मेरा फ्रेंड ना फेल हो जाए, वो पास ना हो जाए, इस तरीके की अलग अलग चीज़ें हमारे माइंड में चलती रहती है। मसलन रहीम नहायत खुश है, यहाँ पर भी हम बात करेंगे अलग अलग इंसान, जब उनका रिज़ल्ट आ जाता है स्टूडेंट्स का, तो उनके चेहरे पे भी हमें अलग अलग तासुरात नज़र आते हैं। हमारे माइंड में अलग अलग तासुरात, हमारे माइंड में अलग अलग थॉट चलती रहती है। हम एग्ज़ाम्पल देखते हैं, बुक का ही एग्ज़ाम्पल मैं बात करती हूँ। जैसे कि रहीम नहायत खुश है क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान में उसे 95% मिले हैं। भाई रहीम को 95 मिले हैं तो जाहिर सी बात है वह खुश होगा, लेकिन वाहिद के गुस्से के आलम में है क्योंकि उसे जितने नंबर उसने सोचा था उतने नहीं मिले। माया अपनी सहेली ममता से हसद करती है क्योंकि ममता ने उससे ज़्यादा नंबर हासिल किए हैं, ठीक है। कंपटीशन में जो होता है उसमें कोई आगे निकल जाए तो हमें दुख होता है, हम पीछे रह जाए तो हमें दुख होता है। नतीम नियायत गमजदा है क्योंकि उसके तौके से कमज़ोर नतीजा हासिल हुआ है। यहाँ पर सबकी अलग अलग एहसास हमें नज़र आ रहे हैं, खुशी, गम, प्यार, मोहब्बत, जोश व खरोश, कुछ करने का एक जज्बा, गुस्सा, खौफ, नफ़रत, मायूसी वगैरह, इन तमाम के एहसास को हमने आज तक कई मर्तबा महसूस किया है, ठीक है। अगर हम बात करें तो हमारे अंदर से सभी ने इन एहसास को कभी ना कभी तो महसूस किया ही है। बेशतर तौर पर हिजान को एहसास, फीलिंग्स और ज़हनी हालत इन्हीं के मूड के मुतरादिफ के तौर पर शुमार किया जाता है। हालांकि एहसास हिजान के पुरमसरत या गमजदा पहलू की निशानदेही करता है, जबकि ज़हनी हालत हिजान की बानिस्बत कम शिद्दत वाली जज्बाती हालत का इजहार करती है। समझते हैं इसको डिटेल में। हिजान के मानी तारीफ। हिजान के लिए अंग्रेज़ी लफ्ज़ इमोशन लेटिन लफ्ज़ इमोवर से माखोज है, इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। कौन सी भाषा से आया है? लेटिन भाषा से आया है, वो भी इमोवर से आया है, ठीक है। जिसके मानी हलचल या इस्तराब के होते हैं। इस्तराब यानी कि एक बेचैनी। साकिन पानी में पत्थर फेंकने से दायरा नुमा लहरें पैदा होती है जो दर किनारे से तक फैल जाती है। इस तरह कोई पुरमसरत या अलमुलनाक वाक्य हमारे पूरे अजबी निज़ाम में हलचल पैदा करे तब उसे हम हिजान का एहसास करवाते हैं। हमें कोई भी फीलिंग्स होती है, हमारे जिस्मानी निज़ाम में पूरी एक
स्पार्क के जैसे कुछ एक लहर दौड़ पड़ती है, तभी वो चीज़ें हमारे चेहरे पर हमें नज़र आती है। जैसे अचानक आपको कोई खुशी का अंदाज़ा हो जाए, या फिर अचानक हम कोई बैड न्यूज़ सुन ले, तब भी हमारे जिसमें हमारे पूरे अजबी निज़ाम में एक अजीब सी लहर दौड़ पड़ती है, वही हमारे चेहरे के तासुरात पर हिजान के तौर पर जाहिर होती है। पेज नंबर 106 पर हिजान की तारीफ दी है 3-4 मनोवैज्ञानिकों ने, नफ्सियतदानों ने, जिसमें हम एक तारीफ पढ़े गए। ओवरऑल जो चीज़ें हम पढ़ सकते हैं वो है कि हिजान यानी कि पूरे नफ्सी जिस्मानी निज़ाम में होने वाली हलचल की निशानदेही करता है। सिटी मार्गर ने क्या तारीफ़ दी है, उन्होंने बताया कि हिजान एक शदीद तौर पर पुरमसरत या गमनाक एहसास है जो कुछ हद तक जिस्म की इस्तराबी हालत में रूनमा होता है। हिजान फर्द के चेहरे तासुरात हरकत और सकनात के ज़रिए जाहिर होता है। हिजान हमें कैसे पता चलता है, हमारे चेहरे के तासुरात के ज़रिए हमें हिजान का अंदाज़ा होता है। कोई खुश है तो हमें चेहरे से ही अंदाज़ा हो जाएगा ये बहुत खुश है, कोई गमज़दा है उसके चेहरे के तासुरात ही हमें बयां कर देंगे कि ये शायद फ़र्द गमज़दा होगा। ठीक है, इन शॉर्ट हमारे अलग अलग टाइप के इमोशंस हमारे हिजान कहलाते हैं। हिजान की तारीफ किस्में हम देखते हैं पेज नंबर 107 पर। हिजान की किस्में, टाइप ऑफ इमोशन, हिजान की किस्मों से मुतालिक अलग अलग नफ्सियात दोनों ने अपनी अपनी राय दी है। कौसे गज़र के रंगों के मानिंद फ़र्द अपने अहद ज़िंदगी के दौरान कई सारे हिजानात का एहसास करते हैं, इसीलिए अलग अलग नफ्सियातदानों ने इसे अलग अलग व्याख्या दी है। लेकिन जो मेन व्याख्या, जो मेन तारीफ है, सारी चीज़ों की तारीफ निकल कर आई है, किस्में निकल कर आई है, वो दो किस्म की है, मिसबित हिजानात और मनफी हिजानात। तो इन दोनों के बारे में हम पढ़ेंगे। गुजराती में इसे कहेंगे, मिसबित को कहेंगे हम हकारात्मक आवेग, और मनफी हिजान को कहेंगे हम नकारात्मक आवेग। क्लियर। मिसबित हिजान की हम बात करते हैं। मिसबित हिजानात यानी कि मिसबित एहसास और तंदुरुस्ती, नफसी जिस्मानी हालत से जुड़े हुए हिजानात को मिसबित हिजानात कहते हैं। पॉजिटिव चीज़ों के साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई है हमारी सेहत, तंदुरुस्ती, हमारी जहनी हालत, तंदुरुस्ती, नफसी जिस्मानी हालत को हम मिसबित हिजानात कहेंगे। जैसे कि खुशी, सुख, प्यार, मोहब्बत, जैसे जिस्मानी एहसास जो मिसबित चीज़ें हो, जो पॉजिटिव हो, जो हमें अच्छे अच्छे चीज़ों का एहसास कराती हो, वो कहलाएगी हमारी मिसबित हिजानात। ओके, इसके अपोजिट होगी हमारी मनफी हिजान। मनफी एहसास और कमज़ोर नफसी जिस्मानी हालत से जुड़े हुए हिजानात को मनफी हिजानात कहते हैं। गुस्सा, खौफ, नफ़रत और हसद वगैरह हिजानी एहसास का मनफी हिजानात के तौर पर हम शुमार करते हैं। ठीक है, तो हम इसे कहें कि मनफी हिजानात। मिसबित हिजानात जिसमें खुशी, मोहब्बत, प्यार, पॉजिटिव चीज़ों का शुमार होता है, वो मिसबित हिजानात कहलाते हैं। पॉजिटिव इमोशंस होते हैं हमारे, जिससे हम कुछ अच्छे काम करने के लिए आगे रागिब होते हैं, हम इंस्पायर होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें तहरीक मिलती हैं। मनफी हिजानात उसके ऑपोजिट है। ज़्यादातर हम मनफी एहसास पैदा करेंगे तो हमारे जिस्म में एक मायूसी, हमारे माइंड में एक नेगेटिविटी पैदा होगी। ठीक है, तो मिसबित हिजानात हमारे लिए ज़्यादा अच्छे होते हैं। मनफी हिजानात हमारे सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें उसका एहसास होता है। इसके बाद है हमारे हिजानी ज़ाब्तगी, मतलब हम हमारे हिजान को, हमारे इमोशंस को किस तरह से कंट्रोल करें, उसके अलग अलग तरीके बताए गए हैं। नेक्स्ट सेशन में हम उसी को समझेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम इंशाल्लाह हमारे इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चैप्टर, जैसा मैंने आपको पहले ही कहा है, एजुकेशन लेवल पर तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन हमारे पर्सनल लाइफ में भी ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, अगर हम इसे सही तरीके से समझें। तो हिजान का मफहूम हमने समझा, आवेगनो अर्थ, आवेग हिजान किसे कहते हैं, एहसास, खुशी, गम, प्यार, मोहब्बत, जोश व खरोश, क्यूरोसिटी, गुस्सा, खौफ, मायूसी, नफ़रत, इन तमाम एहसास को हम महसूस करते हैं, ये हमारे हिजान कहलाते हैं। हिजान की हमने तारीफ़ देखी, अलग अलग नफ्सियातदानों ने इसकी तारीफ़ दी है। हिजान ये पूरे जिस्मानी निज़ाम में होने वाली हलन चलन की निशानदेही करता है। हिजान की हमने दो किस्में देखी, मिसबित हिजान और मनफी हिजान। मिसबित हिजान में हम क्या बात करेंगे, तंदुरुस्ती, जिस्मानी सेहत, खुशी, प्यार, मोहब्बत, जोश व खरोश, जो पॉजिटिव फीलिंग्स का एहसास करवाए, वो मिसबित हिजान, पॉजिटिव इमोशंस, हकारात्मक आवेग, गुजराती में से कहेंगे। मनफी हिजान वो वाले हिजानात, ऐसे हिजानात जो हमें कमज़ोरी,
मेंटली तौर पर हम डिप्रेस हो जाए, उदास हो जाए, मायूसी हो जाए, इस टाइप के जो हैजान इमोशंस हैं वो हमारे मनफी हैजान हैं। गुजराती में इसे कहेंगे नकारात्मक आवेगों। क्लियर? तो ये चीज़ें हमने यहाँ पर समझी, बहुत ईजी है। एक बार इसको थ्योरी में पढ़ लेना तो आप समझ जाओगे कि कॉन्सेप्ट क्या है इस चीज़ का। ठीक है, तो इतनी चीज़ों को समझिए ना। नेक्स्ट जो है उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पढ़ने में समझने में ज़्यादा ईजी हो। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, थैंक यू।